So we are learning the numerical of head chapter. Numerical of head chapter. ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले उसका फॉर्मूलाज आना चाहिए, कौन से फॉर्मूलाज। और हीट चैप्टर में सिर्फ दो ही फॉर्मूला दिया है। ठीक है, कौन से है दो? एक तो है लेटेंट हीट पे और दूसरा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने लास्ट वीडियोस में बताया, तो आप देख सकते हो उसको। लेटेंट हीट अगर नॉर्मल देखना है तो नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर। और इसके फॉर्मूला में जो होगा वो आएगा चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, नाउ विल सी द फॉर्मूला। क्यू इज इक्वल्स टू एम इन टू एल, ये एक फॉर्मूला है। और इसमें जो है क्यू इज इक्वल्स टू एम इन टू सी इन टू डेल्टा टी। ठीक है, एम क्या है? एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे वो वाटर हो सकता है, कैलोरीमीटर हो सकता है, ठीक है, आइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सी क्या है? स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कोई भी ऑब्जेक्ट का हर प्रॉपर्टी, जो स्पेसिफिक हीट होती है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है हीट अब्जॉर्ब करने की। ठीक है, तो वाटर कितना होता है? फिक्स है ये, वन। ओके, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज व्हाट? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे आपको दिया रहेगा स्टीम है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है। अब स्टीम पता है गैस है, वो बॉयल होता है, वाटर कितने पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, और आइस 0 डिग्री। तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ से यहाँ, तो आपको क्या करना है? या फिर दिया रहेगा आइस है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हाई वैल्यू विद लो वैल्यू। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। तो आपको समझना है क्वेश्चन में कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये वाला। अगर नो चेंज इन टेम्परेचर तो दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैं तुमको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा। ठीक है, ओके, सी ट्रिक्स, अच्छे समझना है ट्रिक्स क्या है। सपोज आपको बोला एक स्टीम है, उसे कन्वर्ट करना है आइस में। ठीक है, स्टीम कितने का रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस, और आइस बनना है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूलाज कैसे लगेंगे वो हम समझते हैं। स्टीम है डायरेक्ट आइस तो बनेगा नहीं, कौन कौन से रास्ते से गुजरेगा ये? ये स्टीम पहले वाटर बनेगा, ठीक है, फिर वाटर के बाद ये आइस बनेगा ना, गैस फॉर्म में ये सॉलिड, तो गैस से पहले लिक्विड देन सॉलिड। ठीक है, और इसको डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेनेशन डिटेल में देखते हैं। ओके, तो जो स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस, ये बनेगा वाटर। ठीक है, अब 100 डिग्री सेल्सियस है तो धीरे धीरे कूल डाउन होगा, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। अब ये वाटर धीरे धीरे इसका भी टेम्परेचर कम होगा, 100 डिग्री 80 90 70, ठीक है 50 ऐसे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाटर बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस का, फिर ये और कूल होंगे और इसमें से हीट रिलीज होगी, हीट निकालेंगे तो ये आइस बनेगा कितने का? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक ये और ये स्टीम से वाटर बन रहा है तो टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा है? नो चेंज इन टेम्परेचर। जब ये वाटर से 100 डिग्री का तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ से भी नो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे फॉर्मूलास, इसका एक, एक इसका और एक इसका। ओके,
सो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले केस में नो चेंज इन टेम्परेचर, ओके। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा नो चेंज इन टेम्परेचर का, एम इन टू एल, ओके। और ये जो सेकेंड वाला है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सो चेंज इन टेम्परेचर, ओके। चेंज इन टेम्परेचर, तो फॉर्मूला जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू एम टू सी इन टू डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो थर्ड केस हो रहा था, यहाँ पे भी नो चेंज इन टेम्परेचर, सो थर्ड के लिए नो चेंज इन टेम्परेचर, सो नो चेंज इन टेम्परेचर के लिए क्या होगा, क्यू इज इक्वल्स टू एम इन टू एल, ठीक है। सो यहाँ पे जो टोटल हीट लगा है, टोटल हीट मुझे बताओ, ये टोटल हीट जो है गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कैसे समझोगे? ये देखो, जब हीट गेन होता है तो समझना है टेम्परेचर में इंक्रीज होगा, ठीक है। व्हाट विल हैपन, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री से ये आगे बढ़ेगा, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस था, और लॉस हो रहा है तो मतलब डिक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री, ऐसे भी हम समझ सकते हैं ना, स्टीम है, वाटर है, आइस बन रहा है, तो इसमें से हीट रिलीज हो रहा है, मतलब फ्रीज हो रहा है, कूल हो रहा है, हीट जितना हम निकालेंगे उतना ये क्रिस्टलाइज होगा, आइस बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, सॉरी, हीट लॉस, हीट लॉस, तो टोटल क्यू क्या होगा, इन सब का एडिशन, ठीक है। सो क्यू क्यू कॉमन मैंने ले लिया है, टोटल हीट एम इन टू एल प्लस एम सी डेल्टा टी, ठीक है, प्लस एम इन टू एल। देखो ये कहाँ से आया, यहाँ से, ये कहाँ से आया, यहाँ से, ये फ्रॉम हियर, समझ में आया? सो आप समझो, ये समझ में आया, स्टीम से आइस बन रहा है, तो ये टोटल फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला आपको पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है, समझ में आया? अब इसका एक उल्टा केस हम देखते हैं, ओके। देखो यहाँ पे स्केलिंग कर लेता हूँ, ओके। सपोज आइस है, इसे स्टीम में कन्वर्ट करना है, आइस कितना है 0 डिग्री सेल्सियस का, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपको अभी समझ में आ गया कैसे हो रहा है ये, ठीक है। तो ये आइस क्या होगा, पहले वाटर बनेगा, फिर वाटर से ये स्टीम बनेगा, और डिटेल में हम देखेंगे। तो ये जो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस का, धीरे धीरे क्या बनेगा, ये वाटर जैसे जैसे हम हीट दे रहे हैं ना ये, तो ये फिर पहले 0 डिग्री का वाटर बनेगा, फिर धीरे धीरे इसको क्या बनाना है, स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो वाटर एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री होगा, फिर और हीट देंगे तो हम ये क्या बनेगा, स्टीम बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस का, ओके। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। सो देखो यहाँ पे जो ये फर्स्ट केस है, दिस इज सेकेंड केस एंड दिस इज थर्ड केस, सो ये जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नो, सो नो चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा इज इक्वल्स टू एम इन टू एल। सेकेंड के लिए चेंज इन टेम्परेचर क्यू इज इक्वल्स टू एम इन टू सी इन टू डेल्टा टी, ठीक है।
और थर्ड के लिए टेल मी और थर्ड केस के लिए, थर्ड के लिए होगा देखो नो चेंज इन टेम्परेचर। ओके यहाँ पे हो रहा था चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इसके लिए ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया। यहाँ पे देखो 100 से 100 के वाटर से स्टीम हो रहा है लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा है? नो। सो नो चेंज इन टेम्परेचर, ओके नो चेंज इन टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला है एम इन टू एल। ठीक है सो ये जो है, ठीक है आइस से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे मुझे बताओ हीट का, हीट लॉस और गेन, हीट हम दे रहे हैं ना तो हीट अब्सॉर्ब कर रहा है मतलब गेन हो रहा है, तो हीट का गेन हो रहा है, हीट गेन मतलब क्या अभी मैंने बताया था, सॉरी हीट गेन मीन्स व्हाट, हीट गेन मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर 0 से 100, तो ये 0 से 100 ही हो रहा है सो यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है। इंक्रीज इन टेम्परेचर कहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, गेटिंग। सो टोटल हीट गेन कितना हुआ वो अभी हमें देखना है। सो टोटल हीट गेन इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ ऑल दिस तीनों का एम इन टू एल प्लस एम इन टू सी इन टू डेल्टा टी प्लस एम इन टू एल। ओके तो ये एक फॉर्मूला है हीट गेन के लिए, डन। और यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने देखा था ये था हीट लॉस के लिए। देखो दोनों भी फॉर्मूला सेम, दिस इज हीट लॉस और ये हीट गेन के लिए। सो हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन, यही तो है एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल। ठीक है तो ये क्यू इज इक्वल्स टू क्यू होगा, सपोज इसको हम क्यू वन लेते हैं सो क्यू टू, तो क्यू वन इज इक्वल्स टू क्यू टू। यहाँ पे इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, और इसका जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वल्स टू लेके वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो पूछा गया है हम वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ये कंसेप्ट और ये कंसेप्ट आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, इसी के ऊपर पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है सो नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे बट ये ट्रिक्स याद रहना चाहिए आपको। ठीक है डन। ओके सो ये क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे लिया, नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेगा ये देखने के लिए टोटल न्यूमेरिकल्स, सिर्फ ये न्यूमेरिकल्स जो ट्रिक्स है वो याद रखना। ठीक है।